अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे आज हमारा टॉपिक है बलोची जुबान हम इलाकाई जुबान पढ़ रहे थे पश्तो तक हम पढ़ चुके थे बलोची के बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में बलोची जुबान बोली जाती है जिसका ताल्लुक आर्याई जुबानों से है बलोची जुबान की कदामत और इसके ख़ानदान के बारे में कितनी नजरियात की न हो लेकिन हकीकत यह है कि बलोची अदब की तरक्की का जमाना क्या है पाकिस्तान के बाद का है बलोचि जुबान के दो अहम लहजे एक छलेमानी और दूसरा मकरानी है अगरजह बलोची रस्म पहले पहलेजाद हो चुका था मगर कदीम बलोची अदब तहरीरी सूरत में बहुत देर बाद आया मजमू तौर पर बलोची शायरी को तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है बलोची शायरी में ज्यादा अहम और पहला हिस्सा रिज्मिया शायरी का है इसके मौजूआत में हिम्मत जाहो जलाल गैरत और बहादरी शामिल है दूसरा इश्किया शायरी का हिस्सा है इसमें शबाब इश्क और दूसरे मौजूद पाए जाते हैं तीसरा हिस्सा लोक दासस्तानों पर मुहित है इसमें लोरी और जमाने से ऐसी जिंदगी का अक्स पेश करती आई है अठारह सौ चालीस से बलोची जुबान की कदीम शायरी को रोशनास कराने का काम शुरू हुआ बलोची अदब के कदीम और क्लासिकी नसर में मीर चाकिर खान हसन जंदो पीरंग विगरान नाजिशा मरीद दहानी वगैरह के किस्से मशहूरों मकबूल है बलौती जुबान और अदब की तारीख सबसे पहले शेर कमसर मरी ने लिखी अंग्रेजों के दौर में जो बलोची शायरी तकलीफ की गई इसमें तस्व गया और तो अंग्रेजों के खिलाफ नफरत के अनुवान मिलते हैं इस दौर के बुलंद पाशा मस्त वकली है कैमरे पाकिस्तान के बाद उर्दू ताजी को घटा बढ़ाकर बलोची के लिए एक म्यारी खत ऐजाद किया गया बलोची रसायल उजरायद ने बलोची अदब की तेज तरक्की का आगाज किया उन्नीस सौ साठ में पहला बलोची मुजल्ला शायद होने से बलोची जुबान में सहाफत और अदब को एक नया रुख मिला बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ने बलोचित पी एच डी की डिग्री का इजरा किया है कश्मीरी जदीद तहकीक़ के मुताबिक कश्मीरी जुबान वादिया सिंह की जुबान से मुंसलिक है इसके कई मशहूर लहजे जिनमें मुसलमान की हिंद की गंदोरवा और गामी ज्यादा मशहूर है म्यारी और अदबी लहजा गंदोरों को समझा जाता है कश्मीरी अदब को दर्जन मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया जाता है पहले दौर में लोक गीतों को फरू मिला किस्म की शायरी में कश्मीरी समाज की इज्तमी सोचो एहसास का इजहार पाया जाता है इसे कश्मीरी लहजे में रुव या लोल कहा जाता है दूसरे दौर में लहियात के मौजूद पर लिखे गए दौर के शायर क्षति थे तीसरे दौर में इसके दासानों को मंजूर करने की रवायत पड़ी बातून ने इस अहम शायरा गुजरी है इस दौर के मंदूम कस्सों में कश्मीरी के अलावा अहम फारसी और अरबी कस्सों को भी कश्मीरी जुबान में पेश किया गया है जिनके लिए अरमनी लाल और मुल्ला फकीर वगैरह के नाम काबिल हैं। चौथे दौर में कश्मीरी जुबान वादब पर रूहानी असर गालिब रहा जिसके रूह रवान महमूद गामी थे पांचवा दौर जदीद अदब के जेर साया पला बड़ा ये अपने अंदर नई फिक्री रुझान रखता है गुलाम अहमद महजूर को इस दौर में अहम मकाम हासिल है कश्मीरी अदब में मकामी तख्लीक के साथ दूसरी जुबानों से तराजम भी हुए ईरानी अदब को खास तौर पर गज़ल और मसनवी के तराजुम के, के बाद कश्मीरी शायरी ने भी अपनी तकलीक की सिनब के तौर पर अपनाया आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में कश्मीरियात का मजमून पढ़ाया जा रहा है